हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल यहोवा शालोम टीवी पर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं, और हमारा ये विश्वास है कि जब आप परमेश्वर के इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह उनकी आशीष आपकी जिंदगी में होगी। आज का वचन, अपनी बुद्धि की कमर कसे। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। मेरे प्रियो, पत्रस ने कहा अपनी अपनी बुद्धि की कमर को कस ले, क्योंकि शैतान जब आपके पास आएगा तो वह व्यभिचार, गलत विचारों, गुस्से के विचार, हत्या के विचार के साथ और अविश्वास दिमाग में लाएगा। और अगर आपका दिमाग सच्चाई के साथ कसा हुआ नहीं है तो फिर आप भावुक रीति से चलकर दुख को भोगेंगे। अगर आपके दिमाग में परमेश्वर का वचन नहीं है तो आप बहक जाएंगे। यीशु मसीह और पौलुस ने कहा अपनी कमर कस लो, लेकिन पत्रस ने स्पष्टता से बताया कि अपनी बुद्धि की कमर कस लो। इसीलिए अपनी सोच को दुनियावी रीति से मत सोचें कि जब परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन रहा है तो परमेश्वर है, अगर वह नहीं सुन रहा है तो परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ने कहा अपनी बुद्धि को अपनी आसपास की घटनाओं से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि की कमर को सच्चाई से कसे। लूका 12 अध्याय उसके 35 वचन में लिखा है कि तुम्हारे कमरे बंधी रहें और तुम्हारे दिए चलते रहें। यानी अगर आपकी वचन से कमर बंधी नहीं है तो आपका दिया नहीं जल रहा है, तो इसका मतलब आप प्रार्थना वाला जीवन नहीं जी रहे हैं। शैतान ये चाहता है कि आप अपने त्योहारों में, व्यापार में, घर के कामों में व्यस्त रहें और आपका दिया कभी नहीं जले। क्योंकि जिस किसी विश्वासी की कमर बंधी हुई नहीं है और जो प्रार्थना की जिंदगी में नहीं है तो वह कभी भी शैतान का निशाना बन सकता है, और शैतान उसे शिकार बनाकर उस पर अटैक करके उसे लोगों के सामने गलत उदाहरण के रूप में दिखा सकता है कि ये मसीही होकर भी शैतान के अटैक के नीचे है। इसलिए बाइबल कहती है कि आपकी कमर बुद्धि वचन के साथ कसी हुई होनी चाहिए और प्रार्थना वाली जिंदगी चलती रहनी चाहिए। अगर आप वचन पढ़ने वाले विश्वासी नहीं हैं तो शैतान आपके दिमाग में तरह तरह के शक और प्रश्न पैदा करेगा। जब यीशु मसीह 40 दिन रात रोजों में थे और उन्हें भूख लगी थी तो शैतान ने यीशु मसीह के दिमाग में अटैक करने की कोशिश की कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों को बोल रोटियां बन जाए। लेकिन यीशु मसीह की सच्चाई से कमर कसी हुई थी तो यीशु मसीह ने शैतान से कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले एक एक वचन से जिंदा रहेगा। इसका मतलब आप रोटी से नहीं, वचन से जिंदा रहेंगे। लेकिन वचन आप तब ही बोल पाएंगे जब आप वचन को पढ़ेंगे और सुनेंगे। इसलिए आपको परमेश्वर के वचनों को अपना आधार बनाना होगा और उसे पढ़ना होगा, तब ही आप शैतान के अटैक से बच सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपनी जिंदगी में आशीषों को लेना चाहते हैं तो अपनी कमर की बुद्धि को कसें, विश्वास में दृढ़ रहें, वचनों और प्रार्थना को अपना आधार बनाएं, तब ही आप शैतान के अटैक से बचेंगे और सुरक्षित रहेंगे। आमीन। आइए हम सब मिलकर इस सामर्थी प्रार्थना को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, मैं पवित्रता में चलकर विश्वास में बनी रहूं और आपके वचन के द्वारा मेरी बुद्धि की कमर कसी रहे ताकि मैं आशीषित होने पाऊं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन।
आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आई से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।